नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी गाड़ी का क्लच पेडल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है या आपको ऐसा फील होता है कि क्लच बहुत ज़्यादा टाइट दब रहा है और आप जब अपनी गाड़ी को सिटी में ड्राइव करते हैं तो आपका जो पैर है वो भी दर्द करने लगता है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लच पेडल हार्ड होने के क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि हमारी गाड़ी में दो तरह के क्लच सिस्टम होते हैं, एक केबल क्लच सिस्टम होता है और दूसरा हाइड्रोलिक। तो जिन गाड़ियों में केबल वाली क्लच होती है तो उनको आप मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोलिक वाली जो क्लच होती है उसको आप मैनुअली खुद एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो है हाइड्रोलिकली क्लच सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का क्लच पेडल हार्ड हो रहा है, बार बार आप जब दबाते हैं तो आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो उसके पीछे के तीन चार कारण होते हैं। जो मेन कारण होता है दोस्तों, वो देखा गया है कि क्लच प्लेट जो हमारी होती है गाड़ी में, उसके साथ में जो प्रेशर प्लेट होती है, तो प्रेशर प्लेट ख़राब होने की वजह से हमारी गाड़ी का जो क्लच पेडल है वो हार्ड हो जाता है। तो क्लच पेडल जब भी आपको ऐसा लगे कि हार्ड है, और क्लच की कंडीशन कभी कभी ऐसी देखी है सही होने के बावजूद भी जो है ये हार्ड हो जाता है, क्योंकि प्रेशर प्लेट अच्छे से काम नहीं करती। लेकिन जनरली देखा गया है क्लच प्लेट ख़राब होने के बाद जो प्रेशर प्लेट होती है उसको भी रिप्लेस किया जाता है, साथ में जो बेयरिंग होती है और जो क्लच प्लेट होती है उसको भी रिप्लेस किया जाता है, जिससे जो है क्लच परफेक्टली काम करे। तो ये तीनों चीज़ों का सेट जो है आपको क्लच रिप्लेसमेंट के समय डालना होता है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है अगर वो ख़राब हो गई, उसके साथ जो प्रेशर प्लेट लगी हुई है उसके ख़राब होने से ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा कारण दोस्तों, उन गाड़ियों के लिए जिनमें हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम दिया गया है, तो हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें दो मास्टर सिलेंडर दिए होते हैं जो कि हाइड्रोलिकली क्लच को ऑपरेट करते हैं। तो हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम में, जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह से ब्रेक लगाते समय हमारी गाड़ी का जो मास्टर सिलेंडर होता है, उसी तरह का मास्टर सिलेंडर इसमें दिए होते हैं, तो हाइड्रोलिक प्रेशर के माध्यम से क्लच काम करता है। तो मास्टर सिलेंडर में ख़राबी आने की वजह से भी ऐसा होता है, दो मास्टर सिलेंडर दिए होते हैं, एक तो यहाँ पेडल के नीचे ही दिया गया है और एक गियर बॉक्स के पास लगा होता है, तो उनमें अगर कुछ ख़राबी आ जाती है तब जो है ऐसी दिक्कत आती है। तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नॉर्मल जो वायर सिस्टम वाली क्लच होती है उसके लिए बताने वाला हूँ। तो वायर सिस्टम वाली जो क्लच होती है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो वायर होता है वो ख़राब हो जाता है या फिर अंदर से कुछ वायर टूट जाते हैं, जिस वजह से क्लच पेडल हार्ड दबता है। तो ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दोनों तरह की गाड़ियों के लिए बताई है। अब आप कहेंगे कि सर क्लच जो है हार्ड हो गया है, साथ में हमारे जो गियर है वो भी हार्ड लग रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो भाई, उसके पीछे का रीज़न यही है, क्लच अगर पूरी तरह से प्रेस नहीं हो रहा है, या फिर जो यहाँ पर जो आप लीवर देख रहे हैं इसमें भी वायर शिफ्ट सिस्टम होता है, अगर वायर में कोई दिक्कत आ गई है, जो केबल होती हैं उनमें कोई दिक्कत आ गई, तब भी जो है गियर हार्ड लगते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण और भी हो सकते हैं, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। तो मुख्यतः जो है क्लच हार्ड होने के कारण जो थे वो जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।